राम राम दादा। राम राम। मेरा नाम जमनालाल है और मैं यहाँ सत्तर रतलाम से आया हूँ। हाँ। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम नाथूलाल निनामा है, गांव करंदी का किसान हूँ। भैया आप आज अपने खेत में आज क्या करवा रहे हैं? भैया मैं अपने खेत में गहरी अंकाई करवा ही रहा हूँ। भैया तमीज हमारा खेत में गहरी अंकाई क्यों करा ही रहा? भैया हमारा खेत में अंकाई इसलिए करवा ही रहा हूँ कि ऊपर की जो मिट्टी है वह नीचे आ जाएगा और नीचे की जो मिट्टी है वह ऊपर आ जाएगा, और गेहूँ की कटाई है करी थकी तो भी उनको ओलमेल बह जाएगा तो उनको खाद बह जाएगा। हाँ तो भैया खापा वापा सब सड़ जाएगा मतलब अंदर से। हाँ। और अच्छी खाद बह जाएगा। हाँ हमारा खेत में बगदो कुटो है, ये काई भी नहीं उगेगा, सब बोट हो जाएगा, में फसल एकदम सही साठ रहेगा। खेत की जो दशा है वह बिल्कुल सही साठ उधरी जाएगा। हमारा खेत में जो अंडा अंडी है जानवर का वो भी नीचे उतरी जाएगा वो। अच्छा फंगस वंगस जो सब अंदर मर जाएंगे ना? हाँ सब साफ हो जाएगा, मर जाएगा, कीटाणु वीटाणु से बिल्कुल साफ रहेगा, फसल बहुत बढ़िया। इसीलिए गहरी अंकाई करवा रहे हैं? हाँ इसलिए करवा रहे हैं। पानी खेत को बाहर नहीं जाएगा, खेत में रंजेगा, उड़ी में जो भी उर्वरक है ना, शक्ति है ना? हाँ वो भी सब है तो उड़ी में सब खेत के अंदर रहेंगे ना? सब खेत के अंदर रहेगा तो उनको खाद जो मिट्टी को सब मिली है ना वो पौधा को अंदर रहेगा। हाँ, वो शक्ति तो अंदर रहेगी, बाहर बहके नहीं जाएगी। हाँ, ना पौधा सही साठ निकलेगा। हाँ तो दादा ये गहरी जुताई हमें हर साल करवानी चाहिए कहीं? दादा गहरी जुताई तो हर साल करनी चाहिए अपना ना। हाँ तो दादा गहरी जुताई में काई काई सामान लागे? एक तो पलव सी है खेत में, एक खेत सी है आपको फलो करवा जैसो पौधा बोवा। आप तो दादा घेर जुता कैसे करे मन थोड़ा बताओगा? ट्रैक्टर से फलव जोड़ी न मिट्टी अंकाड़ोगा मतलब नहीं? हाँ मिट्टी अंकाड़ागा तो 20 से 25 इंच मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा। अंकाड़ा के बाद में खेत ने छोड़ दा, फिर यार धूप लगवा का खाई है कि कीटाणु जो खेत में रहे वो भी साफ हो जाएगा, और अंडा अंडी जो भी जानवर रखा थका है भी साफ हो जाएगा, और वहीं से मिट्टी अच्छी बन जाएगा। जो खेत ना खापा खापी है खेत में गेहूं का तो वो नीचे आ जाएगा, वो सड़ जाएगा साफ। दादा अपने पलव कर रहा है तो आने में हमारे काय काय सावधान रखनी पड़ेगा अपना? पलव को सावधानी थी आंखाड़ना पड़े, होने के बाद जो मिट्टी है वह सही साठ गहरी पड़ जाए, ऊपर नीचे बह जाए, और अच्छो धूप पड़े तो धूप लगवा देनी चाहिए। हाँ तो वो धूप में लगेगा तो खेत गर्म होगा तो फसल भी अच्छी होगा। तो फसल अच्छी होगा। आज दादा हमारा गहरी अंकाई करा था, हमें काई काई लाभ? हमारे खेत में पुरानी फसल जो वाई थी वणी में जो भी थू दो वणी ना खाड़ा अंकाड़ी की वही जो नहीं रेट तो अबे जो अंकायो तो ये खापा खूपी जो भी है सब सड़ी जाएगा, वहीं से खाद अच्छो लगेगा। अच्छा अंदर उतरी जाएगा, अच्छा खाद भी। हाँ खाद मिल जाएगा वहीं में। खेत में गहरी अंकाई करवा से कीड़े जो अंडे हैं वो सब खत्म हो जाए, जुताई करवा से वो जितनी कड़क जमीन है वह सब नरम हो जाएगा, मिट्टी में हवा जो लगेगा हवा अच्छी लगेगा मतलब। हाँ बहुत बढ़िया हवा लगेगा, और जो पानी गिरेगा ऊपर से तो वो भी अंदर रस्से का नहीं? सब रस्सा बन जाएगा ये खरी को, अंदर ही मतलब जाएगा। हाँ, नहीं बाहर निकलेगा? बाहर नहीं निकलेगा खेत बाहर, होने से हमारी मिट्टी अच्छी बन जाएगी बन जाएगा। दादा आपने मने घेरी जुताई करवा की इतनी अच्छी जानकारी दी है तो आप अपने आसपास के किसान भाइयों को संदेश देना चाहो? मैं किसान भाई को कहना चाहूँ कि गहरी जुताई हर साल कराई जाए, खेत के
दशा सुधार के अच्छा लाभ कमा, अच्छा अच्छा लाभ ले, अच्छा ज़्यादा पैदावार ले। दादा आपने आज गहरी जुताई करने की इतनी अच्छी जानकारी दी है, यानी के लिए आशा संस्था की ओर से आपने बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम। राम राम भाई।